हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। सुनीता उड़िया रेसिपी की आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज मु कोबी रो रेसिपी लेके आसी। तो कोबी रेसिपी टी बहुत यूनिक मध्ये अछि, बहुत टेस्ट एवं मजेदार रेसिपी अछि। तो रेसिपी देखले मात्र आपण को निश्चिंत बने कर खाइबा पई इच्छा हबो। बहुत टेस्ट अछि, आपण बहुत रो कोबी बनेथिबे। तो ए प्रोसेस सारे आपण कोबी बनादु, आशा करे आपण मन को बहुत पसंद आसीबो। गरम गरम भात एवं रोटी सहित आपण फुल एंजॉय करिवे। तो रेसिपी बहुत यूनिक अच्छे, बहुत मसलादार मध्य अच्छी। तो निश्चिंत देखने ये टेस्टी वाला रेसिपी टी। एबे देखने होती प्रिपेरेशन रे मु गोटे कोबी नहीं जाइए, फुल कोबी की ताकू बहुत भल भाव कोबी टी मुझे धोई नहीं। तो थंडा पड़ला सबुठे आमर कोबी फ्रेश कोबी मध्ये अवेलेबल होलानी। तो एमती गोटे कोबी मुझे नहीं जाइए, तो दुईटी टमाटो नहीं, गोटे प्याज नहीं बड़े, आउ गोटे इंच अदा नहीं, रसुण नहीं, दुईटी आलू को मध्ये चोपा छाड़ी नहीं जाइए। तो कोबी आपण गोटा जेहेतु रखिछन ना, ताको टिके भल आगे धोई नहीं करी देखिने भी भितर काले पोक थिबो। तो तापर मुझे कड़े पानी गरम करी कोबी आलू टमाटो अदा रसुण एवं प्याज को मध्ये सिझे नौचे। ता संगे गोटे इंच डालचीनी एवं चारोटी गुजराती एवं दुईटी लंका मध्ये ताको एमती सिझे नौचे। तो एमती ताको आमर 5-7 मिनिट पर्यंत भलवा टिके फुटे नबा। तो आमर 50-60 पर्यंत टिके सिझिबा को छाड़ दबा। एमती ताको टिके मु एमती ओलट पलट करी कोबी की ताको टिके भलवा सिझे नौचे। जेहेतु कोबी आमर पानी रे बुडुनी, तो सेथिपे मु ताको टिके एमती लेउटे नैतिली। तो देखते आमर पूरा सीझीगला, टमाटो देखते टमा टे चुप छाड़ आसानी। तो ये आम परफेक्ट भाव में सब सीझीगला। तो ये आम एमती कड़े बाहर करा करने देखते पूरा थंडा होगापर आम एमती प्लेट रूम बाहर कर काटापी छाड़ दबा। जदि मो रेसीपी आपको भल लगे, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पाखे बेल आइकन दबाइ दिखाँ जहाँ फिर आग बढ़िया नोटिफिकेशन आपत सहजे पाइपर। एबे देखु थंडा हालापर मुझे एमती गोटे प्लेट को एमती भल भाव बाहर करें एमती काटि नौची। टी बड़ बड़ साइज आलू को मैं काटि नौ कोबी गुड़ाक भी आमर एमती पूरा 50% पूरा सीझी जाइए। तो ताको टिके मुझे टिके बड़ बड़ साइज एमती भल भाव काटि नौ। तो आपन को जो टाइप पसंद आपड़ निश्चिंत काटि नि। तो यही टाइप ही मुझे कोबी एवं आलू को भल भाव काटि नौ। देखूँ के सफ्ट आम सीझी जा आ बहुत टेस्ट लगे। यही टाइप जब आप कोबी बनाऊँगी आप बहुत पसंद आस बहुत भल लगे। आपन कोबी रेसीपीटे ना बहुत शीघ्र तो निश्चिंत ये रेसीपीटी ट्राए करूँ। आउ वीडियो टी फास्ट और लास्ट पर्यटन देखते आपण मन को बहुत पसंद आस। तो ये मुझे कड़े तेल गरम कर रिफाइन तेल नहीं, तो आप चाहिए सोरस तेल एड करेंगे। तो कोबी की मुझे भल भाव पकड़े एमती फ्राए कर। तो कोबी की एमती टी भाजी ने तार जो जो कंचड़े टी देखा ना तो टे फिका देखा जा। तो सेटा टी आम कलर देखा जा। तो टिके लुण एवं हल्दी पकईकर मुझे भल भाव फ्राए कर। तो कोबीटा टी फ्राएगले आम तरकार कलर और क्वालिटा बहुत बढ़ी जाए। तो देखो पिज मैं सीझी जाए मुझे मसला पीए काटि नौपटे मुझे कोबी भाजवाप बसई दे। तो आमर मसला प्रिपेरेसन कर ना। तो सबुदी मसला को मुझे छड़े नौ देखो एमती रसुण को। तो रसुण देखो आम सीझी जाए छाड़ाप तो बहुत शीघ्र छाड़ रसुणटा। तो देखो यही टाइप रसुण को बहुत भल भाव छड़े नौ देखो कत सुंदर भाव रसुण छाड़ जाए अति सहज छाड़ जाए। तो रसुण छाड़ापी जब आप कष्ट हो तो यही टाइप आपतु आपणकर रसुण शीघ्र छाड़ी। तो मुझे सबुत मसला को एमती गोटे ग्राइंडिंग जार में एमती पकईक भल भाव ग्राइंडिंग कर। तो ये देखते डालचीनी मैं एड कर। डालचीनी आम बहुत सॉफ्ट हो जाए सीझी जाए टिके। तो सागर सब मसला पकड़ ग्राइंडिंग कर। देखो मुझे ग्राइंडिंग कर। देखो आमर जो कोबीटा भाजुले ना से पूरा भजा हो गला। देखो कत सुंदर देखा जाबार आमर कोबीटा बहुत सुंदर देखा जा। तो तरकार हेले आप जापर बहुत टेस्ट हे आ खावा बहुत पसंद आस बहुत भल लगे। एबे देखो मु मसला को ग्राइंडिंग कर नहीं आसती। देखो तापर जो कोबी भाजुले कोबी भाजी सारापर मुझे तेल गरम करी तासंगे हाफ टी स्पून जीरा और खड़ा मसला पकई नहीं तेजपत्र खंडी डालचीनी आउ पतला पतला करी काटी रखी प्याज को एड कर। तो यही टाइप आप मसला प्रिपेरेसन करूँ आपण कोबी तरकारी बहुत भल लगे। तो देखो मुझे पकईकी मसला टी एम भल भाव कषि नौ।
तो ये आँच आप मीडियम टू लो फ्लेम रखिकी मसला को टी फ्राए करे आम तो मसला पूरा सीझी जाए तो तार कंच स्मेल पल जा तो ये आमर पकईने वा गोटे स्पून लंका गुंड पकई पकई नहीं हलदी गुंड हाफ टी स्पून जीरा गुंड हाफ टी स्पून धनिया पाउडर हाफ टी स्पून पकई आवश्यक जी लुण ये पकई नहीं तो पकईकि मसला टेमती भल भाव कषि ना ये टाइप मसला को मुझे भल कषि नौ अल्प अल्प पा देकर मुझे एमती मसला को टी कषि नौ जेहेतु मसला टे ते लगे अल्प अल्प पा दे कि मसला को भल भाव कषि नौ देखते कैसे सुंदर देखाई तेल चार छाड़ आसला तो यही टाइम टमाटो जो रखी थी सीझे कि ना तो सहीटा को मुझे ग्राइंडिंग करनी पकईकि भल भाव मसला को भल भाव कषि ना तो तेल छाड़ा पर्यटन आम मसला टी भल भाव फ्राए करमर मसलार कंचा स्मेलटा पल कोबी तरकारी कलर और टेस्ट मतलब बहुत पसंद भल लगे तो यही टाइप रो मसला देखते मोर हो जाता मोर एक पांच सात मिनट पूरा मसला को भल भाव कषि नहींपर मुबी की पकईकि मसला सागर भल कषि नौ टे देखु मुझे जो प्रोसेस करे प्रोसेस फॉलो करूँ आपण मानकर कोबी तरकारी रेसिपीटा बहुत भल लगे खाइबा मत बहुत टेस्ट आसो तो देखो कैसे सुंदर देखा पूरा मटन कषा पर देखा कोबी कषा एटे कोबी कषा अपेक्षा मटन कषा पर बहुत लगुच तो बास्नाटा से टाइप हूँ पूरा बास्ना घर मगिज तो आप टाइप कोबी रेसीपीटा बनातु देखिए आप बहुत पसंद आसो तो मुझे पानी के ऐड करी नेली कोबी कसाटा मोर हो जाता है मुझे गोटे कप पा ऐड करके तरकारी को फुटे नौ देखो तरकारी मोर ये घोड़न घोड़े नहीं तरकारी मोर ये फुटिगला आमर तो पूरा 50-60% पूरा आलू आबी सीझी जाता बस टी मसला सीझापी घोड़े नहीं तरकारी आगे टेस्ट हो बास्ना बढ़िया मुझे पकई नौ गोटे टी स्पून गरम मसला और किसी काटे रखा धनिया पत्र को तो देखो सुपर टेस्टी डिलीशियस कोबी तरकारी आमर ये प्रस्तुत हो जाए बास्ना पूरा मटन झोल पर घर मैं पूरा महकी जा तो यही टाइप कोबी तरकारी बनई कर गरम गरम भात और रुटी सहित खातु आपण मानक बहुत भल लगे आशा कैर आपण मानक ये भिडियोटी भल लगे तो मो भिडी प्रथम शेष पर्यटन देखी आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद देखते कैसे सुंदर और डिलीशियस रेसीपी अच्छी तरकारीटा बहुत यूनिक अच्छी तो थरे निश्चिंत बना दो रोचे नमस्कार।